अरे स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैक्टर थ्योरम पर आधारित फैक्टराइजेशन हमारा टॉपिक है। फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन किसी भी प्रोसेस से करें, प्रॉब्लम क्रिएटिंग टॉपिक है, लेकिन उसमें अगर फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना हो तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आज का जो टॉपिक है उसका शीर्षक मैंने रखा है स्टिफनेस ऑफ फैक्टराइजेशन, जब हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं फैक्टर थ्योरम के द्वारा। फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन करने में क्या प्रॉब्लम आती है, देखते हैं इसको। फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज करने में काफी प्रॉब्लम। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी 9 क्लास का ही है, 6x² + 17x + 5। देखिए हम लोग लिखते हैं fx = 6x² + 17x + 5। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द स्टिफनेस ऑफ फैक्टराइजेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टर थ्योरम। देखें इसको, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है स्क्वायर यानी x² का कोफिशियंट 6 है। अगर ये 1 होता तो प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन यहां पर 6 है तो ये प्रॉब्लम है, और कांस्टेंट टर्म यहां पर 5 है। अब हम लोग फैक्टर किसका निकालें, 5 का निकालें, 6 का निकालें, या 6 × 5 = 30 का निकालें, ये एक प्रॉब्लम होता है। तो इसको सॉल्व करने का एक रास्ता है, आप ऐसा करें, जो भी x² का कोफिशियंट है अदर देन 1 की बात कर रहे हैं, अगर 1 है तो 1 × 5 करके हम लोग उसको कर सकते थे, लेकिन यहां पर 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो तो ऐसा करेंगे, जो भी कोफिशियंट उसका होगा उसको सबसे कॉमन ले लेंगे हम। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 कॉमन ले लीजिए, यहां पर बच जाता है x² + यहां आ जाएगा 17/6, क्योंकि 6 था नहीं और 6 हमने कॉमन लिया तो नीचे में 6 देना होगा, और फिर प्लस 5/6 ये आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 × x - α × x - β। मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसका 2 जीरोज है या रूट्स है, क्योंकि स्क्वायर है पावर 2 है इसलिए इसका 2 जीरो आएगा, तो अल्फा और बीटा हम लोग मान लिए। अब यहां पर ये जो अल्फा और बीटा है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इसका प्रोडक्ट हो जाएगा यही 5/6। जब ये 1 होता है तो उसमें हम लोग इसको मान लेते हैं प्रोडक्ट, यहां पर 5/6 को प्रोडक्ट मानेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5/6। अब ये जो 5/6 आया, अब इसका फैक्टर हम निकालेंगे, दिस इज द स्टिफनेस। यहां पर अगर आप इसको याद रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर अगर आपके दिमाग से कोई भी पॉइंट स्किप कर गया तो फिर ये सवाल भी बगल से निकल गया। ठीक, तो अब इसका हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, इसका फैक्टर्स हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 5/6 = सबसे पहले तो 1, फिर -1, ये तो सबका फैक्टर है। फिर अब क्या लेंगे, 6 है तो 1/2 भी होगा, 1/2 फिर -1/2 होगा, फिर 6 है नीचे में तो 1/3 भी होगा, 1/3 और फिर -1/3, इतना सा आया और भी अभी होगा, 5/2 होगा, तो हम लोग लिखते हैं 5/2 और फिर 5/3 और 5/6 तो है ही, 5/6 भी हो जाएगा, इतना सा आपका ये फैक्टर्स है माइनस प्लस के साथ। ठीक, अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि इतने सारे वैल्यूज को
हम f1 निकाले, f माइनस वन निकाले, f हाफ निकाले, तो ये तो निकालते निकालते ही आपका एग्जामिनेशन में घंटी बज जाएगी। ये है प्रॉब्लम, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट फॉर प्रैक्टिस। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते ही ये याद हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 5/6, इसमें से किस दो फैक्टर को लिया जाए जिसका प्रोडक्ट 5/6 आ जाएगा। तो ये 5/2 और ये 5/3, ये तो 5/6 आ सकता है। हम लोग इसको रख के देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं f, यहां पर x के जगह पे वो वैल्यू रखेंगे 5/2। सबसे पहले 5/2 ले लेते हैं, 5/2 f 5/2 इज इक्वल टू, बिल्कुल सावधानी से कीजिए, 6 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। लेकिन एक बात आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हम प्लस लेते हैं, अगर प्लस लेते हैं तो ये तीनों वैल्यू प्लस में है, तो ये कभी जीरो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि हमको -5/2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 5/2 प्लस लेते हैं और ये वैल्यू भी सारा प्लस में है, तो प्लस कभी भी जीरो नहीं होगा अगर सारा प्लस में ही है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू माइनस में होगा। तो हम लोग लेते हैं -5/2, उसके बाद प्लस 17 इंटू -5/2 और प्लस 5। सॉल्व करते हैं, ये तो प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 25/4, ये लेकिन माइनस रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस 75/2 और प्लस 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका इसको कैंसिल कर देते हैं 2 और ये 3, तो आ जाता है 75/2 माइनस 85/2 और प्लस 5। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए 2, 75 माइनस 85 और प्लस 5 टू 10, 75 प्लस 10 85 माइनस 85 जीरो, यानी कि ये हमारा जीरो आता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये सोच के देखना पड़ेगा कि भाई अगर प्लस लेते हैं तो ये जीरो आएगा, नहीं तो माइनस लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्लस 5/3 लिए तो 5/3 से काम चलने वाला है नहीं, तो -5/3 ले लें। ये तो प्रैक्टिस जब करेंगे आप तो आपका ब्रेन खुद बोल देगा। ये इसका मतलब है कि ये जब जीरो हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं therefore x is equal to -5/2 -5/2। इसको सॉल्व करते हैं, 2x -5 इधर आके +5 इक्वल टू जीरो, यानी कि ये हमारा एक फैक्टर इसका है। 2x plus 5 each a factor of fx, एक फैक्टर तो निकल गया। अब दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं, फिर प्लस 5/3 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 5/3 लेने से वो फिर माइनस वो जीरो होगा ही नहीं, तो -5/3 लेके हम लोग चेक करते हैं, f -5/3 इज इक्वल टू 6 इंटू -5/3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25/9 फिर यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 17 इंटू 5 85/3 और फिर प्लस, इसमें कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 2 3 से 3, तो अब ये आ जाता है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 और ये 1, तो 3 25 इंटू 250 माइनस 85
और 5350 प्लस 50, तो ये आ जाता है 50 प्लस 15 65 माइनस 85 53, ये जीरो नहीं आएगा क्योंकि 65 माइनस 85 जीरो नहीं आएगा। तो माइनस 5 बाय 3 माइनस 5 बाय 3 ये भी नहीं आया, ये आएगा नहीं। अब हम लोग एक इसको चेक कर लेते हैं, माइनस 1 बाय 3 ये वाला सोचना पड़ेगा। माइनस 1 बाय 3 एफ माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 1 बाय 3 होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस 1 बाय 3 और प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा ये 6 बाय 9 प्लस माइनस माइनस 17 बाय 3 और प्लस 5। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये कैंसिल कर सकते हैं 3 और 2, एलसीएम 3 2 माइनस 17 प्लस 5 3 15, 15 प्लस 2 17 माइनस 17 बाय 3 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा वैल्यू पर हमको जीरो आया, एक वैल्यू पर जीरो आया था, ये यहाँ पर है, ये वैल्यू है ये 5/2 यानी एक जीरो ये है और एक जीरो हमारा यहाँ पर आया। तो जब ये इससे रिमाइंडर जीरो आया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/3। इसका मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस 1 इज अनदर फैक्टर, अनदर फैक्टर। इस प्रकार से दो फैक्टर हमको मिल जाता है, एक फैक्टर यहां है और एक फैक्टर यहां है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर fx इज इक्वल टू ये वाला 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इंटू दूसरा फैक्टर हमारा है 3x प्लस 1 3x प्लस 1 यही हमारा आंसर है। फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन इसको बनाओ इससे लंबा लंबा कैलकुलेशन तो करना पड़ता है, इससे कई स्टूडेंट्स परेशान हो गए छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने का ही सब्जेक्ट है, इससे भागोगे तो मैथमेटिक्स नहीं सीख पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन और एक फैक्टराइजेशन है जो कि फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके बनाना है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, प्रॉब्लम फिर वही है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशियंट 1 नहीं है। चलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। हम लोगों ने जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये बाहर निकालने पर ये 12x स्क्वायर माइनस 7 बाई 12 एक्स प्लस 1 बाई 12 ये हमारा टर्म आता है। हम इसको लिख लेते हैं 12 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा इसका प्रोडक्ट हम देखते हैं ये 1/12 ही होगा, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 1/12। अब ये 1/12 इसी को हमको फैक्टराइज करना है, तो 1/12 का फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ 1/12 ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 तो होगा ही, माइनस 1 प्लस 1 फिर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 फिर आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3 फिर ये आ जाएगा 1/4 और माइनस 1/4 फिर ये 1/6 और माइनस 1/6। इस तरह से जितना फैक्टर्स है सारा उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ऐसा कौन सा दो फैक्टर लें जिसका कि प्रोडक्ट इतना आ जाए। तो यहाँ पर ये सोचने की बात, हम लोग ये भी ले सकते हैं 1/3 1/4 ये पेयर भी हो सकता है,
वन बाय माइनस फोर और ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय थ्री को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। एफ वन बाय थ्री, एफ वन बाय थ्री इज इक्वल टू 12 इंटू वन बाय थ्री स्क्वायर माइनस 7 इंटू वन बाय थ्री प्लस 1। 12 इंटू वन बाय थ्री इक्वल टू 1 बाय 9 प्लस माइनस है माइनस 7 बाय थ्री और प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 और ये 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 और प्लस 1 है तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा प्लस 3। तो ये देखते हैं हम 4 3 7 माइनस 7 बाय 3 यानी कि 0 ये आ जाता है। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 3। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं 3x और ये 1 इधर आके माइनस 1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एक फैक्टर निकल गया। अब जब 1 बाय 3 आ गया है तो निश्चित रूप से ये 1 बाय 4 ही होगा क्योंकि 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 4 1 बाय 12 आएगा। तो 1 बाय 4 रख के देखते हैं एफ 1 बाय 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 बाय 4 प्लस 1 ये वाला 1। अब ये आ जाएगा हमारा 12 इंटू 1 बाय 16 माइनस 7 बाय 4 प्लस 1। इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 और ये 4, एलसीएम 4 ही हो जाएगा। फोर एलसीएम ले लिए 3 माइनस 7 4 इंटू 1 4 4 3 7 7 माइनस 7 बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा फैक्टर्स निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 4 दैट इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 1 therefore 4x minus 1 is another factor of fx, fx का ये दूसरा फैक्टर निकल गया। तो आंसर आ गया हमारा therefore fx is equal to पहला फैक्टर है 3x minus 1 इंटू दूसरा फैक्टर है 4x माइनस 1। यही है हमारा फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन, ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन बढ़ाओ, आर्य शर्मा है, एनसीईआरटी है, आरएस अग्रवाल है, और इसके क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में लिखिए, आप सॉल्व सो बताएंगे। आर्य शर्मा के बुक का सेल कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन उनके किताब का रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आर्य शर्मा के क्वेश्चन को देखेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज देख चुके हैं, आर्य शर्मा के फैक्टर थ्योरम पर आधारित फैक्टराइजेशन को देखेंगे। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।